साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वेट सॉल्यूशन चैनल में। आज का वीडियो लेके आए हैं इफेमरल फीवर, टीडीएस थ्री डेज सीकनेस, तीन दिवसीय बुखार, हड्डी तोड़ बुखार के ऊपर, जो कि गोवंश में पाया जाने वाला एक भयंकर रोग है जिसमें मस्कुलर पेन होता है और पशु खाना पीना बंद कर देता है, पशु खड़ा भी नहीं हो पाता, आँखों में पानी चलता है और कई बार देखा गया है पशु को बुखार नहीं होता है और ज़्यादातर पशु को बुखार पाया जाता है। तो बात करेंगे ये कैसे फैलता है। ये बोवाइन इफेमिनल फीवर वायरस से फैलता है जो कि रेबडोवार्डी फैमिली का एक वायरस है। ज़्यादातर ये बरसाती मौसम में और नमी वाले मौसम में ज़्यादा फैलता है और इसके वाहक होती है मक्खी या हवा से भी ये फैल जाता है। बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लॉन्ग एक्टिव है जो उसका उपयोग करते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है और साथ में ब्लड स्टिमुलेंट का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर पशु पहले दिन सही हो जाते हैं पर कई परिस्थिति में देखा गया है कि पशु तीन दिन के बाद ही सही होता है और पशु खाना पीना शुरू कर देता है और उत्पादन पे आ जाता है। विशेषकर ध्यान रखें इस डिजीज़ में स्टीरॉयड का उपयोग ना करें, नहीं तो पशु के ज़्यादा दिक्कत होगी और पशु बैठ जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।